फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? और फ्रेंड्स, ये मैंने नए ब्लॉग की शुरुआत की है और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ। शायद मैंने आपको दिखाया था दूसरे वाले ब्लॉग में, बट मैं अभी आपको दिखाऊँ। थोड़ा सा चेंज किया है मैंने भाई, गर्मी में ना मैं नहाई हूँ, बाल धोए मैंने, बस अभी बालों को साफ करना, मतलब कि इनको झाड़ लेती हूँ अच्छी तरीके से और कॉम कर लेती हूँ। तो इतना अच्छा लग रहा है ना, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही है ना, मतलब टाइम हो गया है अब, ऑलमोस्ट 12 बज गए। तो सुबह से ही उठी हुई थी मैं, 5:50 का लगाती हूँ मैं अलार्म और उठ जाती हूँ। शिवांश को स्कूल भेजने के बाद, शिवांश की थोड़ी तबीयत डाउन थी तो उसका पेपर था क्योंकि लास्ट, इसलिए मैंने उसे भेज दिया, दवाई वगैरह दे के उसे भेज दिया था। और उसके बाद मैं आते ही लग गई घर पे अपने काम काजों में, डेली की तरह मैं लग जाती हूँ। तो ना अब जो मैं सब करके, जो एक मतलब एक इतनी अच्छी फील सी आती है पूजा पाठ करके, अभी तक मैंने मुंह झूठा नहीं किया। देखो मेरा सिंदूर कहाँ गिर गया, नाक पर चुपक ही गया, कलर सा लग गया। तो मैं दिखाती हूँ आपको, मेरा घर कितना साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है और बाहर ना गमलों में भी सब मैं पानी लगा दिया अच्छे तरीके से, और सब तुलसी मैया में, और जो हमारे अब तो सावन स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स। सबको सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भोले बाबा सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखें और हर हर महादेव। तो बस कमेंट में हर हर महादेव लिख देना और ब्लॉग। हाँ फ्रेंड्स, मैं अभी आपको दिखाती हूँ जो मेरी स्पेशल चीज़ थी। देखो यहाँ पे फ्लावर गिर गया है, कितना प्यारा लग रहा है, बट साफ़ सुथरा पड़ा हुआ ना, तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। यस, तो जो मैं कल फ्लावर जो लेके आई थी, मैं आपको दिखा रही थी, वो मैंने इस बास में लगा दी, यहाँ पे रखा हुआ ना, ये हमारी शू रैक है यहाँ पे बाहर इधर, तो गेट के अंदर नकली है, ये ओरिजिनल है। तो ये रियल वाले हैं, जबकि ये रियल लग नहीं रहे, बट यस दिस इज रियल फ्लावर। तो कैसे लग रहे हैं बताना। एक तो ये थे, और ये ना मैंने कल यहाँ पे एक्चुअली ज़्यादा भर दिए थे, उनको मैंने यहीं पे लगा दिया था। और इनकी अच्छी बात क्या होती है ना, ये जैसे बॉटल रखी हुई थी तो इसमें मनी प्लांट थे, मनी प्लांट तो सूख गए थे मेरे, अभी एक दूसरी बॉटल में ग्रो हो रहा थोड़ा सा। तो क्या ये अब खाली ऐसे बॉटल रखी हुई तो अच्छी नहीं लगती हैं। तो ये लकड़ी का एक तरीके से, एक स्वाति है उनके हस्बैंड ने बनाया था ये, और जब यहाँ पे दीवार वगैरह सब पेंट हो जाएगी ना, इसको मैं और अच्छी, इसकी ना शेप नहीं आई थी, मतलब इसको इस तरीके से थोड़ा सा भर गया था फोन, तो इसकी शेप आएगी ऐसे और वैसे ही ऊपर से शेप पानी थी। तो इसको मैं 2 पार्ट में करा लूँगी बाद में और कटिंग करा के। तो देखिए ये जो फ्लावर है ना, जब सूख भी जाते हैं ना तो इनका कलर जाता है, और ये ऐसे ही रहते हैं जैसे कि अब दिख रहे हैं। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये ना, बताना आप भी कैसे लग रहे हैं। और जो मेरा फ्लावर पॉट है वो उधर रखा है पर्दे के पीछे, थोड़े से हम पर्दे को साइड में करेंगे और ऐसे दिखाती हूँ आपको, लग रहा है ना अच्छा। तो ये देखिए ब्यूटी, और देखो मैंने सब, अभी तक शिवांश नहीं आएगा ना जब तक सब सेट करके रखा हुआ सोफ़ा एकदम से। मैं ये कवर चेंज करने वाली हूँ, कवर चेंज कर दूँगी, जो पहले वाले थे ना वही लगा दूँगी, इनको वॉश करके रख दूँगी अच्छे से। और यहाँ पे मैंने ये बेडशीट को लगाया हुआ, 2 इधर रखे हुए, और ये नया पिलो कवर था तो ये भी चेंज कर दिया है इधर मैंने। और मेरा फ़ोन वहाँ पर, मैं अपनी वीडियो एडिट करूँगी बस अभी। तो यहाँ पर ना सब डस्टिंग वगैरह सब अच्छे तरीके से कर देते, कहीं पर कुछ नहीं मिलेगा, सारा मिरर। और शिवांश तो बहुत अच्छे से डस्टिंग करता है, शिवांश ने कल बहुत अच्छे से की थी तो मुझे ज़्यादा नहीं करनी पड़ी। तो ये जितनी भी, तो यहाँ लाई थी मैं आलू, आलू को भी धो के मैंने अच्छे तरीके से रख दिया, क्योंकि जो मिट्टी रहती है ना, फिर हम सब्ज़ी बनाते जल्दीबाजी में फिर धो, तो मैंने सब कुछ साथ धो के मैं रख देती हूँ अच्छे तरीके से। कान्हा जी को नहला दिया, उनकी पोशाक भी धो के यहाँ पर रख दिया, तो इस वाली मैं पाइप पे कान्हा जी की पोशाक रख देती हूँ। ये सारा बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा उमस वाला हो रहा है, कल के कपड़े थे सूखे हुए, इनको मैं तह बना के रखूँगी। तो ये मैंने उठा के रख दिए थे नहा के, क्योंकि जल्दीबाजी में पूजा करनी थी ना मुझे, तो अब इनको मैं तह बना के रख दूँगी। बैठ कान्हा जी के आपको दर्शन करा देती है, तो मैंने यहाँ पर दूध और केले का लगा दिया कान्हा जी को भोग। पैर को मैं बनाऊँगी तोरी की सब्जी, और तोरी लेके आई थी मैं पीछे खेत पे गई थी ना, तो यहाँ पे मेरा दिया जला हुआ है और यहाँ भी मैंने भोग लगा दिया सब भगवान जी को। और ये सब टोकरी को अच्छे से, ये सारे हैंकी वगैरह सबको मैंने अच्छी तरीके से सेट कर दिया है। तो यहाँ पे ना ये जो मेरी मटकी रखी हुई थी ना, मैंने इस तरीके से रख रखी है, तो इसका जो प्लांट था वो सूख गया था, तो इस पर मैंने लगा दिया है ये वाला, अच्छा लग रहा है ये भी फूट जाए। देखिए कुछ कपड़ों को मैंने धो के सुखा दिया है, मैं साथ के साथ धो के सुखा देती हूँ। सारे प्लांट्स में यहाँ पानी लगा दिया था, तुलसी कितनी अच्छी हो रही है मेरी, यहाँ से तो मैं पत्ते तोड़ लेती हूँ। और ये वाली देखिए, और कितनी सारी तुलसियाँ और आ रही हैं, इसमें भी तुलसियाँ हो रही हैं, तो ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है तुलसी मैया। और बालकनी एकदम मेरी साफ़ सुथरी, बिल्कुल साफ़ साफ पड़ी हुई है, एकदम क्लीन। तो ये वाला प्लांट जो है ना, मनी प्लांट, थोड़ा सा मैं डेली इसके पत्तों को धो, देखिए कैसे लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो मैं डेली इसके पानी को चेंज कर देती हूँ इनको धो के, और इसमें देखो जड़ निकल आई है, आप दिख रही होगी जड़ निकल के आ गई हैं, तो इनको डेली मैं पानी चेंज कर देती हूँ। और काफ़ी मलाई भी खट्टी हो रही थी तो घी भी बना दिया, देखिए
मलाई से घी भी रेडी हो गया, इसको छानना बाकी है। तो फ्रेंड्स यही था मेरा मॉर्निंग का छोटा सा ब्लॉग, और मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ और ब्लॉग मेरा आ जाएगा, शायद कब आएगा ये वाला ब्लॉग मेरा, जब भी आएगा आप देख लेना। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, शिवांश आएगा तो मिलाऊंगी यार। आप शिवांश को देख के बहुत खुश हो जाती है मेरे ब्लॉग में, शिवांश को भी बहुत पसंद है ब्लॉग में आना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर शिवांश के आने पे, बाय बाय। सो फ्रेंड्स अभी शिवांश के आने में तो टाइम था, उसके बाद ना यहाँ पे मुझे बेडशीट भी थोड़ी गंदी सी लग रही थी, तो मैंने यहाँ भी चेंज कर दिया था बेडशीट को, और फिर क्योंकि सोच रही थी मैं कपड़े भी धो लेती हूँ जो हो गए थे, और फिर बेडशीट इसलिए मैंने चेंज कर दी कि मशीन लगाते हैं तो फिर बेडशीट भी साफ़ हो जाएगी। और इसके बाद ये देखिए कैसा लुक लग रहा है। तो ये बेडशीट मैंने कॉटन की है, ये डाल दी थी, इसका साइज़ ना थोड़ा छोटा है बेड के अकॉर्डिंग, तो हमें इस बेड के लिए बड़ी एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ की बेडशीट लेनी पड़ती है क्योंकि ये छोटी पड़ जाती हैं। तो ये काफ़ी बड़े साइज़ का हमारा बेड जो घर पे ही बनवाया था, तो काफ़ी बड़ा बन गया है ये। सो फ्रेंड्स मैं बता रही थी ना कि शिवांश की थोड़ी तबीयत ख़राब थी जब सुबह स्कूल गया था, और आज वो जल्दी आ गया था क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी। मैंने मैम को मैसेज डाल दिया था कि अगर उसकी तबीयत ठीक ना लगे तो आप उसे फर्स्ट राउंड में भेज देना। तो वो 3 बजे आता है, क्योंकि 3 बजे की जगह आज वो 2 बजे ही आ गया था। तो जब वो आया ना तो तेज़ जुकाम हो रहा था, फिर मैंने उसे सिट्रिजन दी, और अभी फिर गर्म भी हो रहा है, उसकी माँ काम वगैरह लगाई मैंने, सर दर्द आसार से लग रहे हैं। देखो बादल थोड़े बहुत दिख रहे हैं, थोड़े बहुत, और यहाँ पर पता नहीं आइडिया नहीं, देखते हैं। अभी सिट्रिजन के बाद मैंने उसको थोड़ा बाम वगैरह लगाया था सर में, और आज मैंने नहाने नहीं दिया शिवांश को। देखो जुकाम अभी बेटा आराम मिला थोड़ा जुकाम में, इसकी तबीयत इतनी ख़राब थी, माथा भी बहुत गर्म हो रहा है, तो सर में दर्द बता रहा था, तो वही लग रहा है अंदर से ना, रात भर भी परेशान रहा था ये। तो मैंने ट्यूशन नहीं भेजा जिसका मैं करा दूँ काम, इससे दवाई देने के बाद ना मैं थोड़ा रेस्ट कराती हूँ। मैंने खाना खिला दिया, दाल रोटी खिलाई है इसे, प्लेन सिंपल खाना खिलाया, और दाल रोटी खिलाने के बाद मैं उसको दवाई दे देती हूँ। वो सिट्राजन तो दे चुकी थी इसे मैं, 2 घंटे हो गए, और क्योंकि जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा था इसको, नाक बह जा रही थी, छींकें आ रही थी, तो परेशान था उसकी वजह रखा इसने। और उसके बाद फिर बस मैं सोच रही हूँ इसको मैं आधी सी पैरासीटामोल दे देती हूँ और इसको सुला देती हूँ, तो जब सो जाएगा ना पैरासीटामोल लेकर तो उसे नॉर्मली से आराम मिल जाएगा। देख मैं क्या बस पता नहीं किसी कीड़े ने या किसी ने काटा मुझे यहाँ पे, अजीब सा हो। सो फ्रेंड ऐसे ही होता है, सुबह से मैं इतना अच्छे से ब्लॉग बना रही थी और फिर मेरे बेटा की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर मेरा मन ही नहीं हुआ ब्लॉग बनाने का। तो एंड करती हूँ वीडियो, कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।